से राइट करते हैं, वन को ऐसे, टू वन को ऐसे राइट करते हैं, टू को ऐसे, थ्री को ऐसे, फोर को ऐसे, फाइव को ऐसे, सिक्स को ऐसे, सेवन को ऐसे, एट को ऐसे, नाइन को ऐसे। ओके, ऐसे ही जे ओरिया, ओडिया लैंग्वेज है तो इसमें ऐसे राइट करते हैं, गुजराती में ऐसे राइट करते हैं, ठीक है, बंगला में, मराठी में, पंजाबी में, उर्दू में, सभी का ये जो आपको चार्ट दिया गया है ना, इसी के अकॉर्डिंग ही हमने जो एक्सरसाइज आगे दी है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सब आपने लर्न करने हैं। ओके, जैसे आप मैथमेटिक्स में जैसे नंबर्स लर्न करते हैं ना, काउंटिंग होती है हमारी, ठीक है, तो ऐसे ही अपने जे भी लर्न करने हैं। जैसे उन्होंने दिया है कि द हिंदू अरेबिक नंबर्स ऑफ फॉर द नंबर्स 165, ठीक है, इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग डिजिटल नंबर्स आर। ओके, हिंदू अरेबिक नंबर्स में उन्होंने दिया है, तो जैसे मान लो जे नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, सपोज उन्होंने बोला कि सपोज वी गो टू कलकत्ता, कि आप कलकत्ता जाते हो इन वेस्ट बंगाल में है ना वो, एंड फाइंड देयर दैट द हाउस नंबर्स, हाउस नंबर आप फाइंड आउट करते हो ना, अपने कहाँ पर जाना है, किस हाउस नंबर पर जाना है, ठीक है, आर रिटन इन द लोकल लैंग्वेज, ठीक है, तो इन लोकल लैंग्वेज में राइट किया है विच इज़ बंगला, इफ़ वी आर फैमिलियर विद द न्यूमरल्स ऑफ बंगला, ठीक है, वी विल हैव नो डिफिकल्टी इन नोन द हाउस नंबर। अगर आपको इस नंबर्स को, नंबर की आपको पहचान होगी, इस लैंग्वेज के सिंबल्स की आपको पहचान होगी, तो आपको जो हाउस है ढूंढने में मुश्किल नहीं आएगी। ओके, इन नॉलेज ऑफ दिस।